आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार सत्य परमो धर्म। चंद्रपुर जिला क्रीड़ा कार्यालय जब से अस्तित्व में आया है तब से इसका नाम बड़े बड़े भ्रष्टाचार और विवादों के साथ जुड़ता रहा है। इस स्टेडियम के निर्माण और नवीनीकरण के लिए अब तक 100 करोड़ से अधिक खर्च हो चुका है, मगर आज तक यहाँ के किसी खेल या खिलाड़ियों का कोई भला नहीं हुआ। ये बात अलग है कि समय समय पर कार्यरत यहाँ के अधिकारियों ने और नेताओं ने करोड़ों से खुद की जेब गर्म कर ली है। ऐसा ही एक विवाद यहाँ फिर से उत्पन्न हो गया जब करीब 14 करोड़ की लागत से निर्मित सिंथेटिक ट्रैक के लोकार्पण के लिए दिनांक 24 दिसंबर 2022 का मुहूर्त निकाला गया। ये शासकीय कार्य होने के बावजूद राजनीतिक नेताओं और कार्यकर्ताओं के इसमें इतनी दखलंदाजी है कि ये कार्यक्रम शासन का है या किसी पार्टी का, इसका लोगों में संभ्रम निर्माण हो गया है। एक और वर्तमान के जिला क्रीड़ा अधिकारी अविनाश पुंड अनिवासी अधिकारी की तरह काम करते हुए मनमाने ढंग से निर्णय ले रहे हैं, तो दूसरी ओर इसका फायदा उठाते हुए कार्यालय के बाकी अधिकारी और कुछ टुटपुंजीय नेता खुद का कल्याण करने में लगे हुए हैं। इसी का नतीजा ये हुआ कि उद्घाटन पत्रिका में DSO साहब क्रीड़ा मंत्री का नाम डालना ही भूल गए, फिर बाद में आनन फानन में एक नई पत्रिका छापकर गलती छुपाने का प्रयास किया है। उसी तरह कार्यक्रम से पहले ली गई नियोजन मीटिंग में अपने कुछ खास लोगों को बुलाकर एजेंडा सेट कर लिया, फलस्वरूप स्थानीय कामदार किशोर जोरगेवार बुरी तरह से नाराज होकर पत्रिका में से खुद का नाम हटाने के लिए जिलाधिकारी को पत्र लिख दिया, तो वहीं जिले के पहले अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और शिव छत्रपति पुरस्कार विजेता खिलाड़ी राजेश नायडू को भी नियोजन मीटिंग का उद्घाटन कार्यक्रम का कोई बुलावा नहीं दिया गया। सोने पर सुहागा ऐसे हुआ कि भाजपा के कुछ पदाधिकारियों ने खुद की पार्टी की तरफ से लोगों को न्योता देने के लिए और प्रसिद्धि के लिए खुद की निमंत्रण पत्रिका और श्रेय लेने वाले बैनर्स लगा दिए, जिसके बाद जन विकास सेना की ओर से इसके निषेध में मंत्री सुधीर मुनगंटीवार को इसकी जानकारी देकर अपने कार्यकर्ताओं को सुधारने की हिदायत देने के लिए बैनर्स लगा दिए। इसके अलावा कार्यक्रम में भीड़ इकट्ठा करने के लिए क्रीड़ा अधिकारी की ओर से सभी शालाओं में आदेश जारी करके 50-50 बच्चों को भेजने का फरमान दिया गया, मगर ये बच्चों की नाश्ते खाने की कोई सुविधा नहीं की गई। और भी अन्य तरह के बहुत सारे अनियोजित कार्यों की वजह से आज शाम को होने वाला ये लोकार्पण कार्यक्रम पूर्णतः विवादित रहने के आसार हैं, जिसका पूरा श्रेय जिला क्रीड़ा अधिकारी को जाता है। नागपुर के शीतकालीन सत्र में महाराष्ट्र की राजनीतिक संस्कृति को कलंकित करने वाली घटना सत्ताधारी शिंदे फडणवीस सरकार से हुई। जयंत पाटिल साहब को महाराष्ट्र की राजनीति में संस्कारी, अध्ययनशील, देशभक्त नेता के रूप में जाना जाता है। जयंत पाटिल ने इस बात के खिलाफ आवाज़ उठाई कि सत्तारूढ़ दल सत्ता में होने के बावजूद विधानसभा को 5 बार स्थगित करता है। इसके लिए नफरत के चलते शिंदे फडणवीस सरकार ने जयंत पाटिल पर निलंबन की कार्यवाही की। इसके खिलाफ आज चंद्रपुर शहर जिला राकापा जिलाध्यक्ष राजीव कक्कड़ और प्रदेश युवा कार्य अध्यक्ष नितिन बटारकर के नेतृत्व में चंद्रपुर के जनता महाविद्यालय चौक पर धरना दिया गया। रास्ता रोको आंदोलन के दौरान राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई और उन्होंने जयंत पाटिल साहब के खिलाफ निलंबन की कार्यवाही तत्काल रद्द करने की भी मांग की। आंदोलन के समय विधानसभा अध्यक्ष सुनील काले, OBC जिलाध्यक्ष अरिकर, महिला अध्यक्ष शालिनी महाकुलकर, महिला कार्यकारी अध्यक्ष चारुशिला बरसगड़े, महासचिव संभाजी खेवले, युवा अध्यक्ष अभिनव देशपांडे, पूर्व युवा जिलाध्यक्ष फैयाज शेख, छात्र जिलाध्यक्ष सुजीत उप्रे, सामाजिक न्याय विभाग के अध्यक्ष विनोद लभाने, आकाश निरतवार, कोमिल मदावी, राजुरा तालुका अध्यक्ष संतोष देरकर और NCP के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। भाजे भोके, भाजे भोके।